जैसा हमारे सब्सक्राइबर को पता है कि हम बिना वजह वीडियो नहीं बनाते, बिना वजह हम यहाँ वहाँ की फालतू के कुछ वीडियोस नहीं बनाते, तो आज का जो वीडियो बनाने का हमारा रीज़न है वो है ये, देख रहे हो, देखा GoPro 8 ब्लैक स्पेशल बंडल, ओके यस, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है ना, सबके पास GoPro है, कोई बात नहीं। हमने क्यों लिया, रीज़न बताऊंगा, GoPro 8 लॉन्च क्यों हुआ उसका भी रीज़न बताऊंगा। सुलेमानी कीड़ा भी बोल सकते हैं, या तो सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो हम बोल सकते हैं इसको शुगर कोट करके एडवेंचर के लिए लिया भाई, फॉर एडवेंचर पर्पस, यस। GoPro सबसे पहले तो है क्या, ये एक एक्शन कैमरा है, इतने से साइज़ में आता है, कॉम्पैक्ट साइज़ में आता है, जिसमें आपको कैपेबिलिटी मिलती है कि वो आसमान में, ज़मीन पे और पानी के अंदर भी शूट, और जो GoPro 8 है उसके अंदर हाइपर स्मूथ 2.0 है, जो हम आगे वीडियोस में देखेंगे कि वो होता क्या है, प्रैक्टिकली देखेंगे। कल जो मैंने फुटेज सुबह में, मतलब आफ्टरनून मिड आफ्टरनून टाइम पे शूट किया था, मैंने अभी देखा उसका आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आ रहा था, जस्ट बिकॉज माइक बराबर से प्लग नहीं था और वो मैंने चेक नहीं किया था, तो उसके लिए सॉरी, मे बी राइट नाउ, एक मिनट देखने दो, आ रहा है बराबर, हाँ मे बी राइट नाउ आवाज़ थोड़ा सा बेटर आ रहा होगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो अभी हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अनबॉक्सिंग के लिए जाएंगे, और तीसरे से चौथी बार मैं शायद से अनबॉक्सिंग करूंगा, लेकिन कैमरे पे फर्स्ट टाइम करूंगा आप लोगों के लिए, ये स्पेशल बंडल में क्या आता है और पैकिंग वगैरह सारा कुछ आप लोग देख लेना। एंड अभी जो फुटेज आप देखोगे नेक्स्ट शॉट में जो अनबॉक्सिंग का, वो फुटेज जो है वो पूरा आएगा ओप्पो रेनो 2Z से, उसके अंदर 1080p 60 फ्रेम पर सेकेंड का शूटिंग का ऑप्शन था, तो हमने बोला कभी नेक्स्ट टाइम ने फ्यूचर में कभी काम आ जाए वो 1080p 60 fps हम शूट करते हैं तो पता चल जाएगा कि वो कैसा क्लैरिटी है। तो अभी 3, 2, 1 देखो अनबॉक्सिंग।
जो नॉर्मल GoPro 8 जैसा आता है फैक्ट्री से, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक कैमरा मिलेगा और एक कर्व माउंट मिलेगा और उसके साथ में एक सी टाइप चार्जिंग केबल मिलेगा और कुछ मैनुअल्स और स्टिकर्स मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। और लेकिन ये स्पेशल बंडल इसलिए है क्योंकि इस स्पेशल बंडल में आपको सबसे पहले तो मिलता है हेड स्ट्रैप, सेकंड आपको मिलता है एक शॉर्टी जी जिसको आप अपने GoPro 8 को एक हैंड हेल्ड डिवाइस बना के घूम सकते हो, उसके अंदर एक मिनी ट्राइपॉड भी है तो वो काफ़ी हद तक आपको हर जगह पे सपोर्ट कर देगा। और तीसरा जो उसमें मिलता है वो एक 32 GB का मेमोरी कार्ड जो स्टोरेज के लिए आपको हेल्प करेगा। और एक और चीज़ उसमें मिलती है, क्या मिलती है हमने बताया, क्या बताया हमने, हेड स्ट्रैप बताया, एक शॉर्टी चीज बताया और मेमोरी कार्ड बताया, और क्या मिलता है उसमें, एडिशनल बैटरी मिलती है। ठीक है, एडिशनल बैटरी बैकअप बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बात बताता हूँ, अगर आप लोगों के पास GoPro 5, 6, 7 जो भी है उसका बैटरी इसमें नहीं चलेगा और मतलब उस लेवल पे आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें GoPro 8 में जो है एक फ़ीचर है हाइपर स्मूथ 2.0, जिसके वजह से आपने देखा होगा इसकी बैटरी के एंड पे, टॉप एंड पे एक ब्लू कलर का मार्क होता है। ब्लू कलर का मार्क इसके लिए है क्योंकि उसके अंदर एक सिस्टम है जो फास्ट डिस्चार्ज देता है फॉर द फुलेस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कैमरा फीचर्स। ओके, कैमरे का जो फीचर्स है उसको पूरी तरीके से एक बैटरी सपोर्ट देने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए एक ये जो बैटरी है ये अलग है थोड़ी सी। ठीक है, ये फास्ट डिस्चार्जिंग बैटरी है, तो आप लोग के पास अगर दूसरा फ़ोन्स है, दूसरा अगर GoPro है उसकी बैटरी इसमें लग तो जाएगी लेकिन आप इसके कुछ फीचर्स एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो अगर इसके साथ में अगर एक दूसरी बैटरी आती है तो वो बहुत अच्छा है। आप जो फुटेज देख रहे हो राइट नाउ वो एक वाइड एंगल में है, ना कि लीनियर ना कि सुपर व्यू, एक वाइड एंगल में है। और साथ ही साथ में इसमें हाइपर बूस्ट ऑन है, मतलब अभी आपको नहीं लग रहा है बट ये मैंने डैश पे रखा है और डैश मेरा काफ़ी वाइब्रेट कर रहा है। ओके, तो इसीलिए मैंने इस जगह को चुना, ये टेस्ट वीडियो है। अच्छा, अभी राइट ना हम जा रहे हैं एक टास्क के लिए, टास्क है अभी राइट ना कोई बेताबी से हारने का वेट कर रहा है। ओके, जो हमारे विनायक भाई हैं उन्होंने चैलेंज कर दिया है हमने अपना एक्टिविटी पूरा कर लिया, वी डन विद द बैडमिंटन। और अभी मैं जो बोलने वाला हूँ, जो वार्तालाप करने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुनो क्योंकि ये वार्तालाप करने की वजह ये है कि आपको इसका ऑडियो क्वालिटी भी सुना दूँ। ठीक है, जो आप अभी ऑडियो सुन रहे हो ये डायरेक्टली GoPro के माइक से आ रहा है जो इनबिल्ड है। और वहाँ गए थे हम ज्वेल ऑफ नवी मुंबई में, वहाँ पे हमने थोड़े से फुटेज शूट किए। ओके, और जो हम बोल रहे थे हाइपर स्मूथ 2.0 स्टेबलाइज़र और क्या क्या बोल रहे थे हम, गिम्बल किलर ऐसा वैसा ये वो, तो ये सारा कुछ जो है ये हमने थोड़ा सा शूट किया है। एंड बाय गॉड लवली गिम्बल किलर, हमने वहाँ पे हाइपर स्मूथ मतलब इस कैमरे की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए
हमारे विनायक भाई को एज अ वॉलेंटियर लिया था, उनको बोला कि भाई साहब ज़रा यहाँ पे आइए। वो आ गए, उनके हाथ में हमने माइक थमाया और उनको हमने बोला कि भाग मिल्खा भाग, तो उनके अंदर के सेंसर्स एक्टिवेट हो गए और वो दौड़ना शुरू किए। एक 50 मीटर का एक राउंड मारे एंड ही वॉज लिटरली रनिंग वेरी गुड। कैमरा भी शेक कर रहा था, उसका फुटेज आप देख रहे हो अभी, या मैं डाल देता हूँ अभी वॉइस ओवर के साथ में, या अलग से डाल देता हूँ जैसा पॉसिबल हो। ओके, तो फुटेज बहुत अच्छा आया एंड सही में मानना पड़ेगा ये GoPro 8 जिस वजह से निकाला गया है, स्टेबलाइजेशन इनबिल्ड है इसके अंदर, और जो वर्जन है अपग्रेडेड वर्जन है बहुत सही है, बहुत अच्छा काम करता है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए यार। जिसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्रोफेशनल व्लॉगिंग कैमरा भी है, तो इसके भी काफ़ी सारे एसेसरीज आने वाले हैं अभी। सबसे पहले जो आने वाला है वो है मीडिया मॉड्यूल, उसको मीडिया मॉड भी बोल सकते हैं। मतलब ये जो GoPro है इसके ऊपर एक अलग से एक हाउसिंग आ जाएगी, उस हाउसिंग के अंदर इनबिल्ड अलग से एक शॉटगन माइक होगा, उसके साथ में 3-4 वहाँ पे हॉट शू माउंट्स हो गए वहाँ पे, ताकि ऑलरेडी कुछ GoPro की जैसे कि लाइट हो गई वो हम फिक्स कर सकते हैं वहाँ पे। एंड सेकेंडरी लेवल पे एक फ्लिप स्क्रीन भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। यार परफेक्ट एक्शन प्लस व्लॉगिंग कैमरा, नॉट बैड। प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन क्वायरी डू लीव मी इन द कमेंट बॉक्स। एज सून एज आई सी देम आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। फॉर नाउ साइनिंग ऑफ, दिस इज योर बॉय अतीक इसाफ। एक मिनट, ये जो आप देख रहे हो ये मैं शूट कर रहा हूँ GoPro 8 से। ओके okay?